सो फाइनली गाइस, आज इस जो मशीन है, मशीन की टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ, निंजा 650। तो आपने देखा पिछले व्लॉग में मेरा एक प्लान बन रहा है इस बाइक को लेने का। क्या बात है सुगाई, बहुत सुगाई। अभी देखो कूलर निकल रहा है इसमें, थोड़ा सा हमने डाउन किया इस रैंक को, उसकी वजह से हो गया। Hey guys, good morning, welcome to my new another vlog। तो क्या हाल चाल है तुम सब के? होप तुम सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। सो गाइस, निकल चुके हैं फिर से एक मस्त सा व्लॉग बनाने। बस तुम लोगों ने एक ही काम करना है, जो पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो पहले से है तो लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा डाल देना। तो चलो निकलते हैं सीधा। तो सबसे पहले अपनी बाइक में करना है फ्यूल अप, क्योंकि आपको पता है फ्यूल तो डलाना पड़ेगा यार, तभी तो बाइक चलेगी। तो आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो चलो फ्यूल पहले डलाते हैं फिर करते हैं बाकी बातें। चल दिया है तो चलो निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे देखा आपने अपने दानिक की जो बाइक है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो बहुत गंदा सीन हो गया था उस बाइक के साथ, तोड़ दी गई थी। तो अभी बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तभी और शोरूम दोबारा से जाना है, थोड़ा सा काम रह गया है उस पर। उसका जो फ्यूल का है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, उसका जो फ्यूल जो इसके ये सेल्स होते हैं ये वाले जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो ये वाले ठीक कराने जाना पड़ेगा दोबारा से। तो और थोड़े कुछ फोटोग्राफ करने हैं कुछ इसके इंश्योरेंस के खिलाफ, तो चलो वो कर लेते हैं। ओ भाई, तो गाइस कुछ आजकल धूप नहीं निकल रही है, तो कुछ मौसम जो है कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, जैसे समझो बरसात आ चुकी है जम्मू में। बट यार इस टाइम तो कोई बरसात आती नहीं है, बरसात तो आती है नेक्स्ट मंथ। तो इस वक्त पता नहीं क्या हुआ है जम्मू में, क्यों ऐसा सीन हो गया है। तो क्या करें यार, व्लॉग तो आप लोगों के लिए करना ही है यार। तो आपको बताइए, मैं डेली इस वक्त व्लॉग कर रहा हूँ, डेली पर डे मेरा व्लॉग आ रहा है। तो बस यार सपोर्ट दिखाओ यार अपने भाई को, यार सपोर्ट दिखवा दो, जल्दी से मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो होते हैं यहाँ से राइट। और आज यार बाइक में बाइक जैसे उड़ती हुई जा रही है, क्या बात है क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है बाइक राइड करने का यार। ओहो, तो यहाँ से राइट होना है। ओ यहाँ पे बज रही है यार, थोड़ा सा आस्था चलना पड़ेगा। परसों भी जो कि लास्ट गांधीनगर लास्ट मोड पे सीन हो गया था मेरे साथ, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैंने पिछली ब्रेक दी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा मेरा ABS बाइक का ऑफ सीट होके गिर गया यार नीचे। तो चलो निकलते हैं फुल पावर। गाइस पहुँच चुके हैं दानिक के पास, ये रही यहाँ पे। और दाने क्या हाल है? बढ़िया, खुशी हो रही है बाइक मिल गई है। अरे बहुत ज़्यादा, घर वाले क्या बोल रहे हैं? खुश? लगा दिए बाइक थोड़ी देर। तो अभी ये देखो दानिक वहाँ पे है, तो ये वाली निंजा की हालत तो आपने देखी होगी पहले व्लॉग में क्या कर दी थी, और अब बिल्कुल नई हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये वाला, ये देखो ये ब्लिंक हो रहा है। तो ये जाना है शोरूम में, वहाँ चेक करेंगे इसको क्या हुआ है, ठीक हो जाएगा। और सीट का भी है प्रॉब्लम थोड़ी सी, और ये भी है। कल आपको पता ही है हम 9:30 बजे वहाँ से आए हैं, थोड़ा सा काम रह गया ये वाला आज कराना, फिर निकलते हैं मासी को राइड पे। तो चलो निकलते हैं, थोड़ा सा थॉटल दे, आवाज़ सुना। ओ भाई अमेजिंग यार, तो चलो निकलते हैं गाइस यहाँ से। गाइस निकल चुके हैं हम शोरूम की तरफ। ओ क्या बात है, भगा भगा भगा। अरे लेन चेक करो गाइस, क्या बात है। पटाखे देखो कैसे फोड़ रहे हैं बाइक पे यार, बैकफायर मार रही है गाइस बाइक, एग्जॉस्ट लगा हुआ है इस बाइक में जो बैकफायर अभी बज रहे हैं इससे। ओ हो
बैक फायर सुन रहे हो गाइस? बहुत ज्यादा बैक फायर मार रहा है यार इसका एग्जॉस्ट, बहुत लाउड है यार। ओ तो यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ से। तो लेते हैं भाई से पास, निकलते हैं सीधा आगे। बारिश का भी मौसम है यार, बारिश भी होने वाली है आई थिंक, क्योंकि बादल बिल्कुल काले काले से हो चुके हैं। कहाँ रह गया भाई दानिक, कहाँ रह गया? आ गया आ गया। ये देखो सामने देखो भाई, टांगे पे देखो क्या चीज़ है, ये बड़ी रिस्की चीज़ है भाई। इसे ऐसी चीज़ से थोड़ा सा दूर ही रहो तो वो अच्छा है। शोरूम में तो यहाँ पे अभी जो इसके इंजीनियर वो चेक कर रहे हैं बाइक को क्या प्रॉब्लम है, ये ब्लिंकिंग वाला क्यों नहीं हट रहा है। तो अभी ये वाला जो हटेगा तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अब सो गाइस और सीट में भी प्रॉब्लम है, सीट वाला भी फिट कर देंगे और साथ में एक इंडिकेटर भी रहा वो भी कर देंगे। अभी देखते हैं बाकी वाला क्या सिस्टम रहेगा, फुल पावर। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे थे, बट यार एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ गई, इसका कूलेंट जो है ख़त्म हो चुका था, हमने सोचा कूलेंट डाल देते हैं। तो चलो अभी लगे हैं हम भैया कुछ करने, तो कूलेंट और क्या करना है, कूलेंट सिर्फ, तो सिर्फ कूलेंट डालना आज, तो बाद में देखेंगे। दो चार दिन के बाद पूरी सर्विस कर देंगे, इंजन ऑयल चेंज कर देंगे और एक इसका है थॉटल की वायर जो होती है तो वो भी चेंज करनी है। तो अभी देखते हैं बाकी क्या सीन रहता है। सो फाइनली गाइस आज इस जो मशीन है, मशीन की टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ, निंजा 650। तो आपने देखा पिछले व्लॉग में मेरा एक प्लान बन रहा है इस बाइक को लेने का, तो आज मैंने सोचा कि एक बार टेस्ट ड्राइव लूँ। पहले टेस्ट ड्राइव लेंगे इस बाइक का, फिर हम डिसाइड करेंगे इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। परफॉर्मेंस अब पता लग जाएगा चला के ही कैसा है। तो अभी देख सकते हो फ्रंट पे इसको जो है डुअल डिस्क है, तो बट ये नॉन ABS है क्योंकि ये 2014 का मॉडल है, तो इसलिए नॉन ABS है इसका। तो अभी देखते हैं आगे, तो इसको चला के पता चलेगा कि कैसी बाइक है ये। तो चलो करते हैं स्टार्ट, और उससे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखो आवाज़ सुनो भाई, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। तो चलो थोड़ा सा इसको राइड करते हैं। पावर है भाई, बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। सो गाइस ये कावासाकी की है 650, मोन्स्टर है ये, पूरा मोन्स्टर यार। तो ये बट BS4 है, तो मगर बहुत ज़बरदस्त बाइक है यार। तो एक मशीन है ये, पावरफुल मशीन है। गाइस मैंने सोचा कि यार मेरे पास जो बाइक है वो 300cc है, तो और ये है 650, तो जो पता ही है आपको यार 300 से 650 cc तक जाना कोई छोटी सी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले से इसकी ट्राई मारेंगे, जब ट्राई मारने के बाद मुझे लगे कि नहीं यार मैं बाइक लेनी चाहिए, मुझे ये वाली बाइक लेनी चाहिए, तो तब जाके मैं डिसाइड करूँगा इस बाइक का। बट ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस बाइक की, अगर इसको कोई दौड़ाने वाला हो तो ये बहुत दौड़ेगी यार बाइक। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इस बाइक की। ओ भाई बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है यार इसकी। गाइस चेक कर रहे हो क्या ज़बरदस्त दौड़ रही है भाई ये। ओ भाई एक जीता जागता शेर है भाई ये, बहुत मज़ा है यार इसको राइड करने का यार। ओ भाई सो गाइस आ चुके हैं वापस कावासाकी के शोरूम में, ट्राई मार के इस बाइक का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलो ले चलते हैं इसको अंदर। क्या बात है भाई, बहुत मज़ा आया इसको राइड करने का यार। आप लोग मुझे बताना है कि ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, 300 से सीधा 650 पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यार इसकी फेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा बड़ी फेयरिंग है यार कुछ, ये देखो कितनी बड़ी फेयरिंग है इसकी। बात इसका क्या रेट और क्या पड़ेगा इसका, जो भी सारा कुछ होगा वो यहाँ पे बात करने के बाद फिर मैं बताऊँगा क्या रहा है इसका सीन। तो फाइनली गाइस निकल रहे हैं शोरूम से अभी वापस घर की तरफ, जो यहाँ पे काम थे वो सारे निपटा दिए। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने निंजा 650 की टेस्ट ड्राइव ली, तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन रहेगा, घर वालों से भी बात करेंगे उसके बारे में। यार वो बाइक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बट उसमें एक चीज़ की मुझे लगा कि टेस्ट ड्राइव लेने के बाद, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
वो यार स्पोर्ट्स बाइक टाइप नहीं है, डेली व्लॉग्स लाइक नहीं है, वो बाइक है टूरिंग के लिए। बट हमने कौन सा इतना यार डेली लॉन्ग राइडें मारनी है, हम तो ज़्यादातर लोकल्स में ही राइड मारते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा घर की तरफ, तो दानिक भी है साथ में, वो भी निकल जाएगा अपने घर की तरफ, तो मैं भी निकल जाऊँगा। तो अब इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना TRC व्लॉग्स को। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।